जनता पार्टी के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो हमारी डिटेल है उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके साथ सभी साथीगण हैं जो जिन्होंने मेहनत करके दिन रात मेहनत करके योजनाएं बनाई जिससे कि हर वर्ग तक जो है वो योजनाएं पहुंचे, आखिरी पंक्ति तक जो बैठा व्यक्ति है वहां तक भी वो योजनाएं पहुंचे। तो गरीब और गरीबों की वंचितों को सम्मान मिले और कई अनेक योजनाएं जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बनाई है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये योजना है, खादी ग्राम उद्योग का विकास करना, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना, कृषि बजट को जो है वो 5 से 6 गुना बढ़ाया गया, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये उनको मिलना, फसल बीमा योजना, नारी शक्ति के लिए नई गति, मैं इसके लिए का अगर आपको बताना चाहूँ तो मुद्रा ऋण जो है 27 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं जो मुद्रा ऋण से आगे बढ़ रही हैं। और अगर हर घर घर गैस का उज्ज्वला योजना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं जब खेलता था तो उस समय अगर हम जब झारखंड उड़ीसा कई ऐसे गांवों की तरफ भी अगर मैं बात करूं, मैं जरूरी पर्टिकुलर उसकी तरफ भी नहीं कर रहा हूं, अगर हम किसी गांव की तरफ भी बात करें बहुत से ऐसे घर थे जहां पर जो लकड़ी के साथ चूल्हे के साथ खाना बनाया जाता था और उससे खाना तो बनता था लेकिन महिलाओं को बहुत सी हानि होती थी, उनके हेल्थ इश्यूज़ आते थे। तो यहाँ तक हर व्यक्ति के लिए हर परिवार के बंदों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार जो लगी हुई है, भारत जो है वो डिजिटल हुआ है। कुछ समय पहले की बात करें तो मैं अपनी एक वाक्य अपनी भी बताऊं तो मैं जब खेलता था तो उस समय टिकट करवाने के लिए अगर विदेश जाना है या अगर कहीं विद इन कंट्री आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको ट्रेन की टिकट करानी है या फिर आपको फ्लाइट की टिकट करानी है या आपको बस सुविधा की टिकट करानी है, तो मुझे लगता है कि उस समय बस की तो कोई योजना ही नहीं होती थी ऑनलाइन की। ट्रेन की जो ऑनलाइन की होती थी तो वो आपको स्टेशन पर जो काउंटर्स होते थे वहाँ जाके ही आपको ट्रेन टिकट्स कटवानी पड़ती थी। अगर फॉरेन जाना है या विद इन स्टेट विद इन कंट्री में आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पर आपको जो टिकट करवानी है तो वो पर्टिकुलर एजेंट्स होते थे, उनके पास नंबर्स होते थे, उनके पास कोड्स होते थे, तो वहाँ से वो टिकट निकलती थी। तो आज मुझे लगता है आप जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हैं प्रेस के तो उनके पास अपने मोबाइल पे भी साधन है, किसी घर में व्यक्ति के पास हर घर व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है और इंटरनेट में उनके पास साधन है कि वो ऑनलाइन अपनी टिकट करवा सकते हैं। तो ये बढ़ता हुआ भारत है। आप देखिए कि पहले अगर किसी किसान के या किसी गरीब व्यक्ति को कोई योजना मिलती थी तो उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे। तो बैंक अकाउंट्स क्यों बनाए गए, क्यों उस तरफ ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि आपको जो योजनाएं हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट्स में आ सकता है जिससे आप डायरेक्ट लाभ ले सकें। एक अच्छा साइन है, कल सिरसा में अच्छी रैली हुई, माननीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने वहाँ पर आए और मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर लोकसभा लेवल पर रैलियां होंगी और ये शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छा साइन है। और इसमें लगातार हम लोग भी विधानसभा वाइज भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मंडलों वाइज भी प्रोग्राम कर रहे हैं, बूथ वाइज भी प्रोग्राम कर रहे हैं।